132 साल पुराने रणजीत हनुमान मंदिर को आयकर विभाग ने नोटिस देते हुए 2.25 करोड़ की रिकवरी निकाली गई। नोटिस से मंदिर प्रशासक में हड़कंप मच गया। मंदिर के प्रशासक क्षेत्रीय SDM है, जिन्होंने आयकर विभाग को जवाब देते हुए कहा कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है और मंदिर में दिया गया दान आयकर की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि आयकर विभाग इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। अन्नपूर्णा इलाके में बना यह रणजीत हनुमान मंदिर करीब 132 साल पुराना है, जहां हर महीने 6 लाख रुपए दान में नकद आता है। नकद रुपए के अलावा मंदिर में अनाज और अन्य खाद्य सामग्री भी आती है, जिससे यहां कई लोगों को रोजाना भोजन करना हो जाता है। आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान जमा किए गए रुपयों पर तो टैक्स लगाया है, साथ ही अनाज और दान में मिली अन्य सामग्रियों पर भी टैक्स जोड़ दिया गया है। मंदिर के प्रशासक SDM रवि कुमार सिंह ने बताया कि यह नोटिस वर्ष 2017 से 2018 के वित्त वर्ष में जारी किया गया था, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया है, लेकिन आयकर विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं है, बल्कि जमा रकम के जितनी ही टैक्स और पेनल्टी लगाकर नोटिस भिजवा दिया। मंदिर जिला प्रशासन के अंतर्गत और इसका पूरा काम चेक से होता है। अब आगे हम अपील करेंगे। मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास ने बताया, जो भी दान की रकम आती है उसे जिला प्रशासन के सामने खोला और गिना जाता है। सारा पैसा 14 दान पेटियों में जमा होता है, जो महीने का करीब 6 लाख रुपए नगद के बतौर आता है। जवाब यह है कि ये चैरिटी का काम है, ये धार्मिक काम है, ये और जो जरूरतमंद उनके लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को भोजन करा रहे हैं निःशुल्क, 400-500 लोग जो इस तरह के लोग आते हैं जो भीख मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, वो जो सुनता आता है हम भोजन करता है वहाँ पे, बड़े प्यार से उनको भोजन कराया जाता है सम्मान के साथ, उन सब चीज़ों को आय मान लिया उन्होंने। सर ये कब से कब तक का जो 17-18 का है, ये वर्ष 17-18 का। उनका कहना है कि जो नोटबंदी के समय आए हुए उसके बारे में आपको इनकम टैक्स को सूचना देना चाहिए। भाई नोटबंदी के समय में जो व्यापार कर रहा है, हम व्यापार नहीं कर रहे थे, हम तो मंदिर की आय हो रही थी, लोगों ने दान पेटी में पैसा डाला, हर चीज़ बिल्कुल नंबर एक में हो रही है, हर चीज़ हमारा चेक पेमेंट हो रहा है, वहाँ पर अकाउंट पूरा मेंटेन हो रहा है, CS ऑडिट हो रहा है हर साल। इसके बाद सर आयकर विभाग की तरफ से ऐसा कुछ आपको बताया गया है कि आप मतलब इसका ये रिटर्न नहीं भरते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? रिटर्न हमारा वही कहना, अगर हम आए हो तो इनकम टैक्स भरें उसमें, ठीक है भाई, इनकम टैक्स तो वही भरेगा ना जिसकी आय हो रही है। पंडित जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है और मतलब कितने भक्त आते हैं रोजाना, कितना चढ़ावा आता है कंधा से? रणजीत हनुमान मंदिर 132 वर्ष प्राचीनतम है। सर्वप्रथम हमारे परदादाजी बोलाराम जी व्यास है के प्रथम पुजारी थे, उसी कड़ी में वंशानुगत परंपरा के अनुसार हम हमारी पांचवी पीढ़ी यहाँ पर सेवा पूजा का कार्य कर रही है। 2005 में मंदिर को प्रशासन ने टेक ओवर किया था, तब से यहाँ का समस्त कार्य प्रशासक महोदय की देखरेख में यहाँ पर जारी है। सर ये कितना अमूमन चढ़ावा आता है रोजाना और इसके अलावा अनाज वगैरह और किस किस तरह का चढ़ावा आता है? जी मंदिर में यहाँ पर लगभग 13 से 14 दान पेटे लगी हुई है, जिसमें भक्त अपनी श्रद्धानुसार दान चढ़ाते हैं। इसके अलावा बाहर मंदिर काउंटर है, यहाँ पर लोग रसीद कटवाते हैं दान राशि की। इसके अलावा मंदिर में एक अन्य क्षेत्र चलता है, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से गेहूँ दाल चावल आटा तेल इत्यादि दान करते हैं। उस दान की सामग्री से मंदिर में अन्य क्षेत्र संचालित होता है, जिसमें लगभग 500 लोग निःशुल्क भोजन रोज प्राप्त करते हैं। तो जो दान सामग्री अनाज के रूप में प्राप्त होती है मंदिर प्रशासन को, उसका भोजन बनाकर यहाँ पर असहाय वृद्ध निर्धन लोगों को, साथ ही जो भक्त श्रद्धालु भोजन करना चाहते हैं उन्हें ग्रहण कराया जाता है। कितनी दान पेटियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, कब ये खुलती हैं और किसके उसमें निगरानी में खोली जाती है? लगभग 14 से 15 लगभग दान पेटियाँ हैं, बाकी यहाँ पर महाप्रबंधक AK मिश्रा जी और मैनेजर साहू जी है, तो यहाँ का लोकल मैनेजमेंट देखते हैं और प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार वो सब लोग पेटियों को खोलते हैं, जिसमें प्रशासन के लोग, बैंक के लोग तथा मंदिर के कुछ भक्त भी पारदर्शिता के लिए उसमें सम्मिलित रहते हैं। महीने से 1.5 महीने के अंदर पेटी खुली जाती है। लगभग कितना चढ़ावा आ जाता होगा? लगभग पेटी के अंदर लगभग 6 से 7 लाख रुपये पेटी के अंदर आता है महीने में। कितनी पेटियाँ हैं? 14 से 15 पेटियाँ लगभग। आपका नाम? दीपेश व्यास, मुख्य पुजारी रणजीत हनुमान।